संसद में पेश हुआ आर्थिक सर्वेक्षण, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में किया पेश। वित्त वर्ष 2022-23 में जीडीपी 8 से 8.5% रहने का अनुमान। पहले चरण के चुनाव से पहले दिग्गजों का दल बदल जारी। बसपा छोड़कर भाजपा में आए शिवकुमार बेरिया, सपा एमएलसी रमेश मिश्रा ने भी थामा भाजपा का दामन। यूपी कांग्रेस ने जारी की प्रत्याशियों की एक और लिस्ट। 6 प्रत्याशियों की कांग्रेस ने घोषणा की। खुशी दुबे की मां गायत्री तिवारी को कल्याणपुर से टिकट दिया। लखनऊ पश्चिम से शहाना सिद्दीकी को मैदान में उतारा गया। मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी प्रशांत गुर्जर ने अपने समर्थकों के साथ गांव गांव जाकर लोगों से अपने पक्ष में वोट डालने की अपील की। लोगों को विकास कार्य कराने का आश्वासन भी दिया। आगरा में सीएम योगी समाजवादी पार्टी पर हमला, कहा सपा ने दंगाइयों और माफिया को टिकट दिया। पहले गरीबों का अन्न खा जाते थे सीएम ने कहा, माफिया अपराधी फिर गले में तख्ती लेकर घूमेंगे। डबल इंजन की सरकार फिर से यूपी में विकास करेगी। आगरा में सपा पर हमला बोलते हुए सीएम योगी ने कहा, सपा के नेताओं ने कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाई, हमारी सरकार ने तीर्थस्थल बनाए। सीएम ने कहा, स्मार्ट सिटी ही नहीं यूपी का युवा भी स्मार्ट है, पहले नौकरी के नाम पर लूट होते थे। और भाइयों बहनों, मैं तो आपको एक बात फिर कह सकता हूं, भाजपा सरकार का मतलब अपराधी के लिए फिर से गले में तख्ती टांग करके थाने के सामने केवल और केवल इस बात के लिए माफी मांगने के लिए से मजबूर करना कि किसी गरीब को, किसी कमजोर को, किसी शरीफ व्यक्ति को, किसी व्यापारी को फिर से परेशान नहीं करेंगे। जान बकस दो, वे फिर से अपराधी उसी तर्ज पर आएंगे, गले में तख्ती लटका करके फिर से गुहार करेंगे कि ठेली लगा करके सब्जी बेच दूंगा लेकिन किसी गरीब को छेड़ूंगा नहीं, किसी शरीफ व्यक्ति को छेड़ूंगा नहीं।